ऑनलाइन सट्टे में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में सट्टे के नाम पर एकत्रित हुए लोगों की सूचना जब पुलिस को लगी तो एंटी क्राइम साइबर यूनिट और सुपैला थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से कई सारे मोबाइल लैपटॉप सीपीयू को भी जब्त किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया महादेव ऐप में संलिप्त सेक्टर 10 निवासी अनुभव जैन और उनके अन्य 5 साथी कोसानाला टूल प्लाजा के पास नर्सरी में झोपड़ी के कारोबार में संचालित करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम बनाकर पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनके पास से 12 नग मोबाइल, 4 नग लैपटॉप सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है। एसपी ने बताया कि महादेव ऐप बेस्ड सिस्टम है। इसके माध्यम से खासतौर पर युवा वर्ग पैनल बेचता है तो कोई आईडी बनवाता है और इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन सट्टे से जुड़ते चले जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन दुर्ग पुलिस ने इस नेटवर्क की ब्रांच को पहली बार तोड़ने में सफलता हासिल की है और पुलिस इसके सरगना को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। महादेव ऐप में दुर्ग पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई आज हुई है। हमने जगदलपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 दुर्ग निवासी हैं और 3 जो हैं वो यूपी के, 2 वाराणसी और 1 जौनपुर निवासी हैं। इनके द्वारा एक ब्रांच वहां पे सर्कुलेट किया जा रहा था, अल्युमिनियम फैक्ट्री की आड़ में गोडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 लाख में वो पैनल खरीदते थे और हजार रुपये में आईडी बेचा करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पिछले 15 दिन में उन्होंने 3000 आईडी को जो है बेचा था। पूरे देश भर के लोगों को आईडी बांटे जाते थे और सबको अलग अलग अकाउंट नंबर दिया जाता था।